गुरुदेव, नेपाल में आपका स्वागत है और ये मारवाड़ी कार्यक्रम है, इसमें मैं आपसे कुछ बातें करना चाहूँगा। गुरुदेव, जैसे कहा जाता है योग और अध्यात्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, आप इसको कैसे बताएंगे जरा सा? योग में दो पक्ष हैं, एक तो फिजिकल फिटनेस का है, दूसरा पीस ऑफ माइंड एंड सेल्फलाइजेशन का है। तो योग में जो हम व्यायाम करते हैं, आसन करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उससे हमारी फिजिकल फिटनेस रहती है, और फिर जो प्राणायाम और ध्यान करते हैं इससे हमारा पीस ऑफ माइंड बढ़ता है और सेल्फलाइजेशन की ओर आगे हम बढ़ते हैं। तो ये दोनों ही योग के पूरकता वाले पक्ष हैं, माने हमारी शारीरिक उन्नति भी हो और हमारी आध्यात्मिक उन्नति भी हो, जिससे कि हम जीवन में बेहतर तरीके से आगे बढ़ सके। योग विज्ञान जो है, जो लोग भूल चुके थे उसको आपने पुनर्जीवित किया, इसमें तो कोई कुछ संशय है ही नहीं, लेकिन आज आकर के योग को एक व्यापार के रूप में लोग करने लगे हैं, इसको कैसे रोक सकते हैं? देखिए, योग जो है इसको पर्सनल ब्रांडिंग से बाहर रखना चाहिए। योग मेरा नहीं है, योग तो ऋषियों का, हमारे पुरखों का है। बिल्कुल। तो ये जो अलग अलग नामों से ब्रांडिंग चल रही है ना, कि ये उसका योग, ये उसका योग, तो योग की ब्रांडिंग बंद होनी चाहिए। योग इज योग, योग दूसरा, योग फ्री फॉर ऑल, एंड इसमें किसी भी तरह की कोई दुकानदारी नहीं होनी चाहिए। जैसे हमने टीवी पर योग सिखाया, जरूर, पूरी दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को, जरूर, तो ऐसे ही सब लोगों को योग बस करना चाहिए, और उसमें जो है जो भी लोग व्यापार करने में लगे हैं उनका बहिष्कार करना चाहिए कि भाई योग जो है ये तो ऋषियों की विरासत है और इसको हमको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। कोई फीस देने से किसी का योग सिद्ध नहीं हो जाएगा, या अलग अलग ब्रांडिंग वाला योग करने से आपको कोई फिजिकल या के लिए मेंटली या स्पिरिचुअली कोई आपको बहुत बेनिफिट नहीं हो जाएगा। गुरुदेव, जैसे आप हजारों लोगों के बीच में जो योग सिखाते हैं और जो लोग सीखते हैं, वो क्या सही रूप से उसको कारगर रूप में ले पाते हैं या नहीं पाते? देखिए, योग में मैंने कहा तीन तरह की मुख्य क्रियाएं हैं, एक व्यायाम, दूसरा आसन, तीसरा प्राणायाम, फिर चौथा तो मेडिटेशन है जो आदमी को खुद करना होता है। तो जो हमारे व्यायाम वो इतने सिंपल हैं, वो सब आराम से कर लेते हैं, फिर जो हमारे आसन है वो भी इतने सिंपल है। दरअसल हमने योग को सिंप्लीफाई किया है, और जो प्राणायाम है वो भी इतने सिंपल है, और मेडिटेशन का जो तरीका है वो भी इतना सिंपल है कि कोई भी उसको कर सकता है। कि यदि किसी से कोई भूल चूक होती है तो हमारे हजारों वॉलंटियर्स हैं, तो करेक्ट कर देते हैं, ग्राउंड में भी होते हैं। इसका नकारात्मक कुछ होता है कि नहीं, अगर हमसे कोई गलती होती है? ऐसे योग में कोई गलती होने का प्रश्न नहीं। जैसे एक्सरसाइज है, कोई पूरी कर पाएगा, कुछ में 100% परफेक्शन होगा, जितना करेगा उतना लाभ हो जाएगा, हानि का तो मतलब ही नहीं है ना। हानि तो इतना बता देते हैं ना शुरू में, कमर में दर्द, आगे नहीं झुकना, हर्निया पीछे नहीं झुकना, हार्ट आई बीपी की प्रॉब्लम है तो जोर से नहीं करना, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। आज तक किसी को ऐसा होता है कि भाई हमको जो है कोई टीचर सिखाएगा कि हमको दाल भात सब्जी कैसे खाना है? नहीं, ठीक बात है, ठीक से हमको बता दिया कि मुँह से खाना है, अब कोई नीचे से थोड़ी खाता है, इसलिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई कोई आदमी चबा चबा के खाएगा और ज़्यादा बैलेंस फूड खाएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऐसे योग जो है बहुत सिंपल टेक्निक है, जैसे हम खाते हैं, जैसे हम पीते हैं, जैसे हम चलते हैं। अब किसी को एक बार चलना बता दे, देखो ऐसे चला जाता, बचपन में सिखा दिया, बाद में आप कितनी स्टाइल विकसित कर लो आप उसमें। तो योग चलने फिरने खाने पीने देखने सुनने जैसा ही सिंपल है, इसको क्रिटिकल बनाने की जरूरत नहीं। इसको लोग रहस्यपूर्ण बना के रखते हैं, हमने उन रहस्य को पर्दों को हटाया। और एक चीज़ है, जैसे आपने कहा, आप कहते हैं कि धर्म और जाति आप ये सब चीज़ों से परे हैं, नहीं मानते हैं, आपका उद्देश्य है विश्व कल्याण करना योग के माध्यम से, लेकिन जब आप सीमाओं के अंदर आते हैं, जैसे देश की जो सीमाएँ होती हैं वहाँ जब आप आते हैं, तो राजनीति और क्रांति की जब बात करते हैं तो आप सीमाओं में बंध जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, हर एक राष्ट्र की अपनी एक एकता अखंडता संप्रभुता होती है, राजनीतिक सीमाएं अलग होती हैं, बाकी सामाजिक आध्यात्मिक वैचारिक समरसता तो एक ही होती है ना सबकी। तो राजनीतिक सीमाओं का हम सम्मान करते हैं सब जगह। हम जब नेपाल में आते हैं तो यहाँ जब देशभक्ति की बात करते हैं तो नेपाल से संबंधित, यहाँ स्वदेशी की बात करते हैं तो यहाँ से संबंधित बात होती है, यहाँ जब हम स्वाभिमान की बात करते हैं तो नेपाल के स्वाभिमान की बात होती है। तो हमारी देशभक्ति, हमारा स्वाभिमान, हमारा स्वदेशी का आंदोलन, वो पूरी तरह से
वहाँ के स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित होता है और उसमें किसी भी तरह का कोई प्रश्न पैदा नहीं होता है। हम जैसे यहाँ भारत और नेपाल की, क्योंकि सामाजिक सांस्कृतिक आध्यात्मिक विरासत साझी है, तो हम भारत माता की जय, नेपाल आमा को जय साथ साथ बोलते हैं। पिछले कुछ समय से आपके प्रवचनों में राजनीतिक रंग ज़्यादा दिखता है, एक योगी के लिए राजनीति जरूरी है? देखिए, राजनीति का मतलब क्या पहले तो समझना चाहिए। भगवान राम तो राजा थे, भगवान कृष्ण तो खुद राजा थे, भगवान शिव राजा थे, महर्षि विश्वामित्र, वशिष्ठ, आचार्य चाणक्य, ये तो खुद राजगुरु थे। राजनीति के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, लेकिन हम राजनीति को अपने स्वार्थ के लिए ना करें। राजनीति हमारे सारे पॉलिसीज तय करती है, बिजनेस की पॉलिसी, एजुकेशन की, हेल्थ की क्या पॉलिसी होगी, आपका चैनल भी चल रहा है तो इसकी भी पॉलिसी क्या होगी, ये राजनीति डिसाइड करती है। इसलिए पॉलिटिक्स सही दिशा में चले इसका प्रयास सबको करना चाहिए और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। हाँ, हमको पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं रखनी चाहिए, तो हम अपने ऋषि धर्म के साथ अपने राजनीति को राष्ट्र नीति के तौर पर, इसको लोक नीति के तौर पर, इसको एक जो है कैसे एक अच्छी दिशा में राजनीति बढ़े जिससे कि लोगों के जीवन में समृद्धि हो, सद्भावना। आप जितनी हाइट में आज पहुंच गए हैं, पीछे की तरफ जब मुड़ के सोचते हैं तो आप कितने परसेंट आपको लगता है कि आप सफल हो चुके हैं? देखिए, ये जीवन में सक्सेस का कोई पैमाना नहीं होता है। हम 9 वर्ष की उम्र से चले थे इस यात्रा पर, कभी कोई ये मन में नहीं सोचा था कि हमको पूरी दुनिया के करोड़ों लोग आदर करेंगे। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको अपना कार्य करते रहना चाहिए, उसका परिणाम क्या होता है सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इसी को बोलते हैं हमारे यहाँ कर्मण्येवाधिकारस्ति मा फलेषु कदाचन। और एक चीज़, जैसे एक योगी को किसी पार्टी विशेष की तरफ कटुता और किसी पार्टी विशेष की तरफ झुकाव, ये होना उचित है? देखिए, योगी को न्यायपूर्ण होना चाहिए, जस्टिसफुल। जो भी इनजस्टिस करता है, चाहे वो कोई भी पार्टी वाला है, उसका खिलाफत करना चाहिए। भगवान कृष्ण का संदेश है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतम। तो हम उसी संदेश के आधार पर चलते हैं कि हम सात्विक शक्तियों का साथ दें और आसुरी शक्तियों के विरोध करें। तो हमारी परंपरा है। और अब हम जाते जाते हमारे नेपाल के दर्शक एवं नेपाल की जनता को आपका क्या संदेश? देखो, जो है मैं हिमालय टेलीविजन के सभी दर्शकों को एक ही कहूँगा कि हमारी हिमालय की संस्कृति योग की, अध्यात्म की, ऋषियों की संस्कृति है। हम सब अपने ऋषियों को अपने आँखों के सामने रखें और हमारा जीवन पुरखों जैसा हो, हमारा जीवन अपने ऋषियों जैसा हो, इस तरफ हम आगे बढ़ें। अपने सामने हमेशा अपने पुरखों को रखें और वैसा ही चरित्र हमारा हो, ऐसी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये हिमालय का उन्नत राष्ट्र नेपाल पूरे विश्व में अपने आध्यात्मिकता के कारण से, भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के कारण से जरूर आगे बढ़ेगा। आपने हमारे इस कार्यक्रम को समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। प्रणाम। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। कुछ देर पहले मैं आप लोगों ने बतायो कि अपना 200 एपिसोड पूरा होने के उपलक्ष्य में कई लोगों का शुभकामना संदेश आया, जो आप लोग देखा भी। ऐके अलावा अपना जो हमेशा कार्यक्रम देखनिया व्यूवर्स है, वे लोग भी आपकी प्रतिक्रिया, आपका संदेश भेजा है। वही कुछ टाबर आपका शुभकामना संदेश तो दिया ही है, सागे सागे कुछ सुझाव और कुछ प्रश्न भी भेजा है। आओ देखा बे सुझाव, प्रश्न और शुभकामना। मैं राजेंद्र चोरड़िया, आपनो नेपाल आपनो गौरव को रेगुलर व्यूअर हूँ। 200 एपिसोड कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में श्री दयाराम जी गोपाल अग्रवाल ने बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहूँ कि वो प्रोग्राम निरंतर आगे भी बढ़ते रहे और नेपाल में वो एकमात्र हिमालयन टेलीविजन द्वारा वो प्रसारित हुआ है। तो मैं और मारवाड़ी के हर क्षेत्र ने कवर करते आया है, तो मैं आगामी दिन में भी वो प्रयास आपको सफल हुए और निरंतर रहे। मैं ये शो आपनो नेपाल आपनो गौरव के संचालक श्री दयाराम अग्रवाल जी और इससे जुड़े बाकी तमाम टीम मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ इस शो के 200 एपिसोड पूरे होने पर।
और ये शो इसी तरह आगे निरंतर चलता रहे ये मेरी शुभकामना है, इसी तरह लोगों के दिलों को जीतता रहे और बाकी इसमें आगे हमें और भी नई नई चीज़ें देखने को मिले ये मैं अनुरोध करना चाहता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार, मानमोल अग्रवाल। हिमालयन टेलिभिजन में आने एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवले आफ्नो 200 एपिसोड्स कम्प्लिट गरेको उपलक्ष्यमा म उनीहरूको एन्टायर टिमलाई धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। मैं 2 अगस्त उनका 200 एपिसोड हुआ है, उनका 2000 एपिसोड कम्प्लिट हुए और साथ ही साथ मैं 2 प्रश्न पूछना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव में बस बड़े लोगों का इंटरव्यू क्यों होता है, बच्चे लोगों का क्यों नहीं होता है? और मेरा दूसरा प्रश्न है कि चांगू नारायण टेम्पल जो टूटा है भूकंप से, वो वापस बनेगा कि नहीं बनेगा? और अगर वो बनेगा तो वो किसके नाम से बनेगा? राजा मानदेव के नाम से कि जो अभी बनाए उसके नाम से? धन्यवाद। नमस्ते, म राघव अग्रवाल, म कक्षा 5 पढ्दछु। म हिमालयन टिभीको यो च्यानल आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवको 200 एपिसोड पुरा हुनेमा कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्न चाहन्छु। मेरो एउटा प्रश्न छ, मैले सुनिरहेको हुन्छु यो धर्मलाई लिएर झगडा भइरहेको हुन्छ। हामी सबै एउटै हो, हामीहरू नेपाली हो, हाम्रो रगत रातो हो, झगडा गर्नुपर्छ र? Hello, my name is Pranish Pradhan. Today I congratulate the entire team of Apno Nepal Apno Gaurav for completing 200 episodes. Today I want to take the opportunity to ask some questions. My first question is, there are already 5 central development regions in our country Nepal. Nowadays I'm hearing that in televisions it is about to be divided into 6 states. Is it necessary? Please tell me what is the purpose. And my another question is, nowadays children are playing in the street. It is very dangerous. Many accidents can happen. I make a humble request through this channel that we should all make parks for the children. At least we should try. Thank you. मेरो नाम सुप्रेम विष्ट हो। म कक्षा 7 पढ्ने एक विद्यार्थी हो। म यो कार्यक्रम आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवलाई 200 एपिसोड पुरा गरेको हुनाले बधाई दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रमले हाम्रो नेपाली कल्चर र ट्रेडिसन बुझाउने हुनाले मलाई यो कार्यक्रम असाध्यै मनपर्छ। म यो कार्यक्रमको यस शुभ उपलक्ष्यमा एक प्रश्न गर्न चाहन्छु। सरकारले जुन भर्खरै जुन भूकम्प आएकाले जुन हाम्रो संरचनाहरू भत्केका छन् त्यसलाई पुनर्निर्माण गर्नको लागि जुन दावी गरेको छ त्यो अहिलेसम्म किन पुरा भएन? आज के लिए यो कार्यक्रम इतनो ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मने भी इजाजत दियो और ये कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह सुझाव प्रतिक्रिया हो है, तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 9849923804 में या ईमेल संपर्क कर सको हो apnonepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और अब आप लोग मन ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार। सबैको प्यारो आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरव।